मेष, आपका दिन मित्रों और सामाजिक कार्यों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा। धन भी खर्च करना पड़ेगा, सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, बड़ों का सहयोग भी प्राप्त होगा और उन्हें मिलने से आनंद में वृद्धि होगी, प्रवास और पर्यटन होगा। वृषभ, आज का दिन शुभ फलदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। विशेषकर व्यवसाय करने वालों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी रहेगा। व्यवसाय में पदोन्नति का भी योग है, पारिवारिक जीवन में भी सुख और संतोष प्राप्त होगा, मित्रों से मुलाकात आनंद प्रदान करेगी। मिथुन, आज का दिन प्रतिकूलता लेकर आएगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। मानसिक रूप से व्यग्रता और शारीरिक रूप से शिथिलता का अनुभव होगा, कार्य करने का उत्साह नहीं रहेगा। व्यवसायिक स्थल पर भी उच्च अधिकारी और सहकर्मचारी का व्यवहार नकारात्मक रहेगा, धन खर्च हो सकता है। कर्क, वैचारिक रूप से नकारात्मकता छाई रहने से आज दिन भर शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता बनी रहेगी, इसलिए नकारात्मकता से दूर रहने की चेतावनी गणेश जी देते हैं। क्रोध पर भी आज संयम रखना पड़ेगा, खर्च अधिक रहेगा, परिवार जनों के बीच में घर्षण ना हो इसका ध्यान रखें। सिंह, आज पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाने से दाम्पत्य जीवन में कलेश हो सकता है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। आप दोनों में से किसी का स्वास्थ्य ना बिगड़े इसका भी ध्यान रखें। सांसारिक तथा अन्य प्रश्नों के कारण भी आपका मन आज उदासीन रहेगा, कोर्ट कचहरी से दूर रहें। कन्या, व्यवसायिक क्षेत्र में आज यश प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक है, सहकर्मचारियों का सहकार प्राप्त होगा, पारिवारिक वातावरण में सुख का अनुभव होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक लाभ होगा। तुला, वैचारिक रूप से विशालता और वाणी की मधुरता अन्य लोगों को प्रभावित करेगी और इससे अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों में मेल बना रहेगा, चर्चा विचारना में भी आप प्रभाव जमा सकेंगे, परिश्रम की तुलना में परिणाम संतोषजनक नहीं प्राप्त होगा, कार्य में संभलकर आगे बढ़ना होगा। वृश्चिक, स्नेहजनों के साथ संबंधों में सावधानी बरतनी होगी, ऐसा गणेश जी कहते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता के कारण व्यग्रता बनी रहेगी, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन और कीर्ति की हानि होगी, मन में प्रसन्नता का अभाव रहने से अनिद्रा भी आपको आज सताएगी, ऐसा गणेश जी चेतावनी देते हैं। धनु, प्रतिस्पर्धी आज परास्त होंगे, ऐसा गणेश जी कहते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए समय अनुकूल है, आध्यात्मिकता का आनंद भी आपके जीवन में बना रहेगा। मकर, आज का दिन मिश्र फलदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। परिवार जनों के साथ गलतफहमी या मन मुटाव के प्रसंग बनने से मन में ग्लानी छाई रहेगी, निरर्थक खर्च होगा, आरोग्य के विषय में ध्यान रखें, विद्यार्थियों को आज अभ्यास में रुचि नहीं होगी। कुंभ, आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। परिवार का वातावरण आनंद से भरा रहेगा, आध्यात्मिकता का आश्रय लेकर वैचारिक नकारात्मकता को दूर करने की सलाह गणेश जी देते हैं। मीन, कोर्ट कचहरी अथवा स्थावर संपत्ति के झंझट में आज न पड़ने की गणेश जी की सलाह है। आज सभी कार्यों में मन की एकाग्रता से फायदा होगा, स्वास्थ्य संभालिएगा, स्वजनों के वियोग का प्रसंग उपस्थित होगा, परिवार जनों के साथ मतभेद रहेगा।